स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। दरबार मूव जो हमारी परंपरा थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसे दोबारा से बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ने कल शाम की अगर मैं बात करूं, अपना मैनिफेस्टो जो है वो बहुत बड़े पन्नों में रिलीज किया, लेकिन कांग्रेस ने सबसे लेट अपने मैनिफेस्टो को रिलीज किया। और उसी के साथ साथ कांग्रेस ने कहते हैं ना कि घाव, यानी आपको बता दें कि मैनिफेस्टो पूरा उस पर बनाया गया है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के घाव हैं, और वो कह रहे हैं कि हाथ से हाथ मिलेगा तभी ये जो है जम्मू कश्मीर बदलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने सबसे लेट मैनिफेस्टो रिलीज करने के साथ साथ यहां पर यह भी कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है सबसे पहले जो है वो स्टेटहुड की बहाली होगी। यानी कांग्रेस को भी ये पता है कि यहां पर स्टेटहुड की बात करते हैं तो स्टेटहुड जो है वो सबसे पहले लोगों की पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है अब वो यूनियन टेरिटरी में आ गए हैं, पहले वो राज्य में रहा करते थे, इसलिए दोबारा से उन्हें राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। ये कांग्रेस ने अपनी पहली प्रायोरिटी पे अपना पहला वादा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किया है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि दरबार मूव जिसे आपने देखा कि यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, और दरबार मूव जैसी अब कोई भी चीज यहाँ पर नहीं बची। पहले आपने देखा था कि जम्मू के लोग कश्मीर आते थे, कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, जिससे हमारा आपसी भाईचारा बना रहता था। और दरबार मूव के चलने से जिस तरह से जम्मू का रघुनाथ बाजार है, जब आप यहाँ जाते हैं इनके दुकानदारों से बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमारा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया है, दरबार मूव अगर चलता रहता तो हमारे घर पर रोजी रोटी चलती रहती और हमारा घर जो है वो खुशहाल रहता और बहाल रहता। यानी कांग्रेस ने कहा है कि वो दरबार मूव जैसी चीज जिसे बंद कर दिया है केंद्र की सरकार ने, वो ये कहकर कि यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंस खर्च होता था, ज्यादा खर्चा लगता था, अब जो है वो दोबारा से दरबार मूव को शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक और यहाँ पर उनका ये बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो वादा किया है यहाँ पर दरबार मूव के साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा से बहाल किया जाएगा। 1,00,000 नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेंगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है 5,00,000, कांग्रेस कहती है 1,00,000 नौकरियां मिलेंगी। और एक कैलेंडर भी बनाया जाएगा कि साल में किस तरह से ये नौकरियां जो है वो निकाली जाएंगी और ये नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेंगी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जो अनएम्प्लॉयड है, उन्हें 3,500 रुपया पर मंथ जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप कहीं जॉब नहीं करते, आपके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का थप्पा है कि ये बंदा कहीं जॉब नहीं करता, ये लड़की कहीं जॉब नहीं करती, तो उसे जो है वो 3,500 जो है आपको बता दे कि एजुकेशन अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। और जिस तरह से आप सालाना फॉर्म्स भरते रहते हैं जॉब्स को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर जो फॉर्म्स निकलते हैं, बार बार जो आप उनकी फीस देते हैं ना, तो आपको एक ही बार, यानी अगर यहाँ पर 10 बार आपको जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यानी आपको 10 फॉर्म फिल करने हैं, तो आप एक ही फॉर्म फिल कर जो है वो अपना वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी स्कीम है, लेकिन ये होगा कब? जब आप इनके मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, और आप इनके मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद में सोचेंगे ये क्या हो रहा है। जहां पर आपको बता दें कि 5,00,000 तक का महिला को लोन दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन हो, अपना बिजनेस स्टार्टअप हो, आप अपनी कोई भी चीज शुरू करने के लिए जो है वो आपको बता दें कि महिलाओं को 5,00,000 तक का लोन दिया जाएगा, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट जो है इस पर रहने वाला है। 25,00,000 का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली को दिया जाएगा। यानी जो आयुष्मान कार्ड जैसी स्कीम है वो कांग्रेस भी लेकर आ रही है, लेकिन 5 और 7 लाख नहीं, 25,00,000 और पर परिवार को जो है ये मिलने वाला, यानी पूरे परिवार के लिए 25,00,000 का इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर कांग्रेस लेकर आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लेट रिलीज किया है, लेकिन इसमें महिलाओं की पेंशन को भी जो है वो प्रायोरिटी दी गई है कि महिलाओं की पेंशन जो 1,000 थी उसे जो है वो 3,000 कर दिया जाएगा। जिस तरह से मैं डिसेबल्ड की बात करूं, विडो की बात करूं, उसे बढ़ाया जाएगा। और कांग्रेस ने यहाँ पर युवा चलाना है, युवाओं के पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है, उन्हें अपना फॉर्म कैसे भरना है। दरबार मूव खत्म हो गया है, जम्मू कश्मीर का व्यापारी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वहां पर किस तरह से यहाँ पर काम होगा, इसलिए दरबार मूव की दोबारा बहाली जो है वो कांग्रेस करेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रेत बजरी है, तो साफ तौर पर आप तमाम लोगों ने मैनिफेस्टो के बारे में सुना। अब आप लोगों को क्या लगता है कि आपको किसे वोट देना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और